को लाठी वाले बाबा बड़े स्वामी जी कहते हैं। तो अनुभवानंद जी उस समय विचलित थे, कुछ एक स्टेज ऐसा उनका चल रहा था कि थोड़ा सा नॉर्मल जो है ना संतुलित व्यवहार नहीं था उस टाइम। यह भक्ति के मार्ग में कुछ ऐसी चीजें उनकी आ गई थी। तो सद्गुरु के लिए तो वो बहुत छोटी चीज है, उनके आदेश निर्देश में ही वह रहते थे। तो इस परीक्षा के पात्रता, इस परीक्षा के जरिए पात्रता को समझना चाहे तो उस स्थिति में भी अनुभवानंद जी को यह ज्ञान जरूर था कि ये हमारे गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं। यह परमात्मा और सदगुरुदेव में मैं कोई अंतर नहीं समझता, यही सदगुरुदेव है जिन्हें परमात्मा भेजे हुए हैं हम सभी को भवसागर से पार कराने को, पराविद्या का ज्ञान देने को, ब्रह्म विद्या का बीजारोपण करने को। तो वह उस स्थिति में भी और किसी चीज का ध्यान उन्हें नहीं रहा न रहता था उस दौरान, लेकिन उस समय उन्होंने तुरंत दौड़ करके और आसन ला करके और सदगुरुदेव को नतमस्तक होकर के और प्रार्थना किया कि सदगुरुदेव आपका स्थान इस आसन पर है, ऊंचे आसन पर है, आप नीचे कैसे बैठे हैं। उस समर्पण से जब सदगुरुदेव उनके शीश पर हाथ रखते हैं और उसी समय से उनके जो विचलित उस समय का दौरान था, जो कृत था, वो कट जाता है। तो सदगुरुदेव में ये शक्ति है और अनुभवानंद जी जैसे शिष्य विरले ही कोई होंगे या है। तो भवानंद जी के गृह पर यह सत्संग का आयोजन है, यह प्रसंग याद आ गया। अभी मनोहर बाबू बहुत ही आनंदित कर दिए इस माहौल को तरह तरह के भजन गायन से। आज संयोग से म्यूजिक भी लाइट साउंड का जो पावर है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भजन से परमाणु बिखर गया है और पूरे गांव को एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। इस ग्राम में हर दर्जे के लोग होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई अधिकारी होंगे, कोई छात्र छात्रा, हर तरह के किसान व्यवसायी सभी लोग होंगे। विकास हर क्षेत्र में जरूरी है, विकास हर क्षेत्र में जरूरी है, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जीने की कला हो, चाहे पहनने का कपड़ा हो, रहने का घर हो, या सड़क हो, पानी हो, हर चीज में विकास बहुत मायने रखता है। तो हमारी भक्ति में विकास क्यों नहीं? भक्ति में विकास अवश्य होना चाहिए। अगर कोई नर्सरी में बच्चा पढ़ता है तो उसे एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है,